घटना हुई है, 4 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हैं। टेरर अटैक का मामला कहा जा रहा है। राम मंदिर के बगल में रजौरी की ये घटना है, क्या कहेंगे इस विषय में? रजौरी की राम मंदिर के पास की जो घटना बहुत दुखद है। कुछ लोग जम्मू कश्मीर की शांति को नजर लगाना चाहते हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, वहां की लोकल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में लगातार अथक प्रयास किए। किसी भी आतंकवादी साजिश का हमने कठोरता से जवाब दिया है और लगातार पिछले सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकी दहशतगर्दियों की घटनाओं में लगातार कमी आई है। हमने आतंकवादी भी कम किए हैं, आतंकवादियों की आयु भी कम की है। अभी तक लगभग 150 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें से लगभग 50 वो आतंकवादी जो पार से आए थे, पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान की ओर से ISI लगातार षड्यंत्र कर रही है और निहत्थे लोगों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन आज तक जितने हमलावर हुए हैं सबको मार दिया गया है। जिन्होंने अब भी भारत के नागरिकों पर हमला किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म इफेक्टिवली वहां दिख रही है। उसको असफल करने के लिए, शांति प्रयासों को असफल करने के लिए, वहां के विकास, वहां की प्रगति को असफल करने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा।